इस गीता गोविंदम फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था। इसका बजट मात्र 5 करोड़ का था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 132 करोड़ था। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितना ज्यादा पॉपुलर रही 2018 में। ये सीन उस टाइम का है जब विजय रश्मिका को अपनी गाड़ी पर बिठा करके जा रहा होता है कार्ड बांटने के लिए। अगर आप लोगों ने भी गीता गोविंदम मूवी देखी होगी तो इन सीनों को आसानी से कोरिलेट कर लोगे। इस फिल्म ने कई सारे तेलुगु अवार्ड भी जीते थे। इवन इसको तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया 2018 में। उसके बावजूद इसकी कमाई 132 करोड़ हुई थी। इस मूवी की हिंदी डबिंग काफी ज्यादा लेट में आई थी। इसके बावजूद हिंदी ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत सारा प्यार दिया था। आप लोगों ने सीन को यूट्यूब पर कई बार देखा होगा। ये सीन भी इसी मूवी के एक सॉन्ग का है। अभी उस सीन के लिए प्रिपरेशन चल रही है जहां पर विजय अपने कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं और रश्मिका इनको 10 बार कॉल करती है लेकिन मुझे कॉल नहीं उठाता है। तो उसके बाद में रश्मिका खुद ही इसको बुलाने के लिए चली जाती है। दीज आर सम रैंडम वीडियोस ऑफ दिस मूवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी ऑल कर लेना ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। किसी मूवी की जब शूटिंग हो रही होती है तो एक्टर डायरेक्टर और सभी लोग जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं मूवी को बनाने का फुल एंजॉय जरूर करते हैं। और यहाँ पर जितने भी ब्लूपर्स आप इस वीडियो में देख रहे हैं सारे इसी गीता गोविंदम मूवी के हैं। ये सीन उस टाइम का है जब विजय रश्मिका के लिए कोल्ड कॉफी लेने के लिए जाते हैं। हालांकि ये सीन आपको बहुत छोटा लग रहा होगा क्योंकि कोई भी फिल्म या सीरीज बहुत छोटे छोटे पेज में बनाई जाती है, छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की जाती है और बाद में उनको एडिट करके उनके इफेक्ट वगैरह डाल करके जोड़ दिया जाता है जिससे कि एक फिल्म तैयार हो जाती है। ये सीन उस टाइम का है जब रश्मिका उस बारे में मंदिर शादी करने वाली होती है। आप जितना मजा मूवी को देखते समय उठाते हैं उससे कहीं ज्यादा मजा मूवी को बनाते समय ऑलरेडी लिया जा चुका होता है। ये ब्लूपर्स बहुत ही जबरदस्त हैं। ये वाला सीन उस टाइम का है जब रश्मिका की शादी होने वाली होती है उस फार्म बंदर से। ये मूवी अपने टाइम की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी में से एक थी। इवन आज भी ये मूवी परफेक्ट लव स्टोरी, बेहतरीन डायरेक्शन और जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती है। आप लोगों ने ये वाला सीन कई बार देखा होगा, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर टेलीविजन हो, जहां पर रश्मिका विजय को कॉपी करते हुए दिखाई गई थी। ये सीन इसी मूवी के एक सॉन्ग एंटी करके का है और ये वीडियो सॉन्ग भी जबरदस्त था और इसका ऑडियो सुनने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप ये वीडियो। Okay.